For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. टाइगर जिंदा है का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों, और ट्रेलर वाकई में जिंदा है। मतलब ट्रेलर में सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लघु शंका है, मतलब डाउट है। ट्रेलर देखने के बाद मेरे खुराफाती दिमाग में काफी सारे बर्निंग क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आज मैं आपसे वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से टाइगर अपने बॉस के साथ दोबारा मिल पाए। बॉस यानी कि जो रॉ के एजेंट है मिस्टर शेनॉय, जिसे ग्रेट टेरिफिक एक्टर गिरीश कर्नाड सर प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में भी हम देखते हैं कि गिरीश कर्नाड से पूछा जाता है कि कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा ये जॉब। तो गिरीश कर्नाड बोलते हैं सिर्फ टाइगर। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली मूवी में हमने देखा था कि सारी एजेंसीज, चाहे वो रॉ हो चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, वो जोया और टाइगर के पीछे पड़ी हुई थी, उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी ना उन्हें मार्क कर पा रही थी। इस फिल्म में किस तरीके से वो उसे ढूंढ पाएगी, किस तरीके से मतलब वो टाइगर को इजिली पकड़ पाएंगी, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर क्या होगा कि टाइगर अपने बॉस के साथ दोबारा से मिलेंगे और इस एम के लिए, इस मिशन के लिए वो हाँ कहेंगे। भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है इस पूरी फिल्म में, क्योंकि फिल्म की कहानी नर्सेस की है, इंडियन नर्स की, 25 जो नर्स हैं उन्हें टाइगर बचाएगा, राइट। लेकिन हम देखते हैं इतने में एंट्री होती है जोया की, यानी कि कैटरीना कैफ के कैरेक्टर की, और वो भी बंदूक लेकर एकदम किक एक्शन कर रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं, और उस पर वो डायलॉग भी बोल रही हैं कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन नर्सेस को बचाना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि वी स्टैंड फॉर पीस। अब यहाँ पर वी कौन है? क्या पाकिस्तान एजेंसीज ने खुद कैटरीना मतलब जोया को बोला कि भाई जाओ और टाइगर की मदद करो? क्या जोया भी मतलब पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई वहाँ पर और फिर से वो काम कर रही है उनके अंडर? तो क्या पाकिस्तान भी भारत की तरफ हाथ मिला रहा है दोस्ती का? ये सारी चीज़ें 22 दिसंबर को ही पता चल पाएंगी। अगला जो क्वेश्चन दिमाग में उठता है वो है लोकेशन को लेकर। कैसे इस फिल्म में ऑस्ट्रिया, अबू धाबी, ग्रीस और मोराको की लोकेशन ऐड हुई? भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर जब आता है तो जस्टिफाई हो जाता है कि क्यों अबू धाबी हुआ, क्यों मोराको हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों की लोकेशन इराक की लोकेशन से मैच करती है तो वहाँ पर सेट बनाना इजी पड़ता है। लेकिन ग्रीस क्यों आया, मतलब ग्रीस क्यों है फिल्म में? क्योंकि अभी रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान खान और कैटरीना कैफ अपने लास्ट सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं, स्वैग से करेंगे स्वागत, जो कि ग्रीस में हो रहा था, ग्रैंड सॉन्ग था वो, तो चलो वो भी जस्टिफाई होता है। लेकिन ऑस्ट्रिया की शूटिंग क्यों डाल रहे हैं ये? मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना हाइपोथेटिकल है कि ऑस्ट्रिया भी दिखाएंगे, वो अबू धाबी भी दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रिया में मे भी हो सकता है कि वो सलमान खान को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब टाइगर को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मार्च में ऑस्ट्रिया में इसकी शूटिंग चल रही थी और वहाँ से जो अली अब्बास जाफर है वो ट्वीट करते थे कि वी आर शूटिंग हेयर एंड देयर। तो ये थोड़ा सा गोलमोल है सिचुएशन कि भाई ग्रीस में क्या होने वाला है, ऑस्ट्रिया में क्या होने वाला है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि ट्रेलर में कि अबू धाबी और मोराको में क्या हो रहा है। अगला जो बर्निंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों वो ये है कि क्या कैटरीना का कैरेक्टर यानी कि जोया फिल्म के आखिरी तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? मैं इसलिए आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि जोया को चेयर में बांध रखा है, वो आतंकियों के गिरफ्त में है, उसने उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई है, प्लस फेस से खून निकल रहा है और अधमरी हालत में है। तो दोस्तों मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देख के थोड़ा सा है ना सहम गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद हो सकता है कि कैटरीना मतलब जोया का कैरेक्टर, जोया जो है वो एंड में हो सकता है मर सकती है, और इसी पे गुस्सा होकर सलमान खान लास्ट में फायरिंग कर रहे हैं वो धर 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 करके शायद। दोस्तों खबर ये भी आई थी मीडिया में और प्लस काफ़ी फोटोज आई थी कि सुदीप और परेश रावल सर भी हैं इस फिल्म में। भाई वो हैं या नहीं है ये तो पता ही नहीं चला क्योंकि ट्रेलर में उनके बारे में कुछ दिखाया नहीं, और खबर तो ये भी आ रही थी कि सुदीप जो है वो सलमान खान के ऑपोजिट मेन एंटेगनिस्ट होंगे। अगर वो मेन एंटेगनिस्ट होते तो ये भाई इराक वाले जो एक्टर जो मेन इसमें अबू उस्मान का कैरेक्टर निभा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो मुझे लगता है कि हो सकता है परेश रावल का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा हो, और उतना क्योंकि उनसे ज़्यादा स्पेस तो गिरीश कर्नाड सर को दे दिया है ट्रेलर में,
तो कहीं ना कहीं परेश रावल और सुदीप का थोड़ा सा कह सकते हैं कि है ना अभी क्लियर नहीं है कि वो फिल्म में उतने पोर्शन में आ पाएंगे या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेलर में 2 मिनट 8 सेकंड पर एक सीन आता है जहां पर सलमान खान बेड पर हैं, उनके बगल में एक बच्चा है, वो उसको रीडिंग कर रहे हैं और प्लस उसके सर पे किस करते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन मेरे फटाफट आया कि यार ये बच्चा कौन है, क्या जोया और टाइगर ने शादी कर ली, क्या ये उनका बच्चा है, मतलब ये क्या है? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो एक फादर और एक सन के बीच का रिलेशनशिप नजर आएगा उसमें, लेकिन फिल्म में क्या है ये तो 22 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये तो थे मेरे दिमाग के वो बर्निंग क्वेश्चंस जो मैंने आपसे शेयर करे, क्या आपके दिमाग में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे प्लीज ऑनेस्टली बताइए। और प्लस ये भी मुझे बताइए कि फिल्म कितना ज्यादा कमाई कर सकती है, मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना ज्यादा अर्न करेगी। सारे कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि चैनल आपका चैनल है बॉलीवुड स्पाई।